हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए, हम लोग अमृतसर से निकल चुके हैं, आगे आ चुके हैं। ये देखिए, ये है हिमाचल की वादियाँ। और हिमाचल मतलब बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ आके इतनी शांति मिलती है ना कि मैं डियर आप लोगों को क्या बताऊँ। ये देखिए यहाँ के झरने। यहाँ का वेदर ऑसम था, बहुत ही ठंडा था, एकदम चिल्ड वाला मौसम था। मतलब बच्चों को तो फुल स्लीव्स पहनाना बहुत ज़रूरी था, बट मुझे मालूम नहीं था हम लोग यहाँ जाएंगे। तो पीयू का फुल स्लीव्स वगैरह मैंने फिर वहाँ से परचेज़ कर लिया था, क्योंकि मैं लेके नहीं गई थी साथ। ये देखिए सेल्फ़ी पॉइंट तो जगह जगह पे आप लोगों को इतने मिलेंगे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये सारी रील्स भी आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगी देखने के लिए। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी पीयू के साथ, और ये देखिए मेरी सिस्टर ने सेल्फ़ी वगैरह ले ली, हमारी वीडियोस वगैरह बना ली, क्योंकि ना मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। इतनी शांति मिल रही थी ना यहाँ से, मतलब कि आप लोगों का मन ही नहीं करेगा कि हम लोग वापस घर जाएं। ये ऐसा प्लेस है, ये आप लोग एक बार आओगे तो आपका मन करेगा कि बार बार आने के लिए हमेशा। तो जहाँ अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हो ना घूमने की, तो आप यहाँ ज़रूर जाना। ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत शांति वाला है। बिल्कुल पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं, और एकदम ठंडा ठंडा, ना ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी, मीडियम था, ठीक था एक बार। बट हाँ, रात को शाम के टाइम और सुबह मॉर्निंग के टाइम थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, और तो बाकी सब ठीक था। तो देखिए प्योर में यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे और हमारी वीडियो शूट कर लिया। और अभी हम लोग यहाँ जो है, गाड़ी हमने रास्ते में रोकी थी यहाँ चाय वगैरह पीने के लिए, तो बस हमने सोचा जब तक वो एंजॉय कर रहे हैं, मुझे चाय पीना ज़्यादा पसंद नहीं है और पीहू भी चाय नहीं पीती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठ गए, बाकी सब वहाँ थे। और ये सारी रील्स भी आपको इंस्टाग्राम पे सॉन्ग के साथ देखने के लिए मिलेंगी, बट यहाँ सॉन्ग जो है नहीं लगा सकती थी मैं। और देखो 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 देखो, मुझे लग रहा है शायद ये वीडियोस 3-4 बार ऐड हो गई हैं, तो सो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और मैं आगे का आप लोगों को दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, ये वीडियोस ही चलती जा रही हैं। शायद थोड़ी सी मैं स्पीड फास्ट कर रही हूँ ब्लॉग की, ताकि आप लोग थोड़ा से परेशान ना हो, ताकि और ये है मतलब हिमाचल की स्टार्टिंग में ही है। मतलब कैसे मैं बताऊँ आपको, मुल्कन, एक्चुअली मुझे नेम याद नहीं आ रहा, आप लोग धर्मशाला ही समझ लीजिए। धर्मशाला से ऊपर है ये प्लेस, हम लोग धर्मशाला नहीं गए थे, उससे ऊपर गए थे, बक्शोनाथ कुछ है टेंपल, वहाँ तक हम लोगों को जाना था, और रास्ते में ये जो है सारी चीज़ें आई थी। तो अभी मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का व्यूज़, ये सारे पहाड़ पहाड़ हैं रास्ते में। ये देखिए ये व्यूज़, आगे आगे आप लोग जाते रहोगे तो आप लोगों को ये सब दिखाई देगा सब। ये देखिए ये पूरा व्यूज़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे ना बादलों से पर्वत जो हैं हिमालय के, ये सब ढक चुके हैं। और इतना ठंडा ठंडा सा, इतना मतलब ऑसम जगह लग रही थी ये हमें। ये देखिए आप लोग, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये, आप देख सकते हो ये सारी जगह। ये भी जो है ब्लॉग 2-3 पार्टों में आएगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये पीहू और पीहू के पापा जा रहे हैं नीचे, रास्ते में आई थी 1800 साल पुरानी चर्च है एक, तो वो चर्च देखने के लिए हम लोग उतरे थे, क्योंकि सब लोग यहाँ जगह जगह पे उतर रहे थे। और फिर अपनी गाड़ी हो तो आप कहीं पे भी रुक सकते हो, कहीं भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, तो हम लोग इको लेके गए थे। ये देखिए पीयू भी बहुत गुजरी है, ये पीयू और पीयू के पापा बैठे हैं। और चर्च का जो गेट था वो बंद था, उसकी कुछ टाइमिंग थी, और फिर हम लोगों ने बाहर से ही देख लिया सारा, और मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट कर ली। तो देखिए फ्लावर्स देखिए पीछे कैसे रेड है। अभी हम होटल में पहुँच चुके हैं अपने रूम में, और पीयू यहाँ कर रही है डांस टीवी में सॉन्ग लगा के। इसका सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखना।